भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज जो आज अंग्रेजी कैलेंडर बदल गया और नव साल शुरू होगा, 1 जनवरी आ गई। और 1 जनवरी ऐसा संयोग है कि आज ही के दिन से बुंदेली चुगली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेके वर्चुअल दुनिया में हम उतरे थे और बुंदेली चुगली को एक वर्षगांठ भी, 1 साल की यात्रा पूरी बुंदेली चुगली कर ली और हजारों लाखन दर्शकन को जो हमें लाभ मिलो है वो अपने आप में जो है कि इतना स्नेह प्यार मिलो है कि गांव गांव में बच्चा महिलाएं पुरुष सब जो खाते के बुंदेली चुगली देख रहे हैं हमें, वो देख रहे हैं। और रोज हमें ऐसे फोन भी आते आदमी के कोई बताने लगा था कि भैया अब तो ऐसी बुंदेली चुगली बड़ी नोई लगत, न्याय की बात करत है। तो हमारी यही पूरी भैया पूंजी है जब पूरी धरोहर है हमारी, वही हम बड़े संभाल के रखे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो बुंदेली चुगली में आए, कछु साथी मिले थे, कछु रास्ता में उतर गए, छूट के भग गए, कछु जन ने दौड़ लगा दी, चला थे लेकर लेके बुंदेली चुगली की यात्रा अनवरत चलत रहे और न्याय वाक की लड़ाई हम लड़ते रहे भी। तो हम इस संबंध में बड़ी आज खुद लंबी चौड़ी चर्चा का बन के करने हैं, बातचीत होने हैं। तो हम कहीं चलो इस बार लाइव ही आके बैठे कहा से फिर अब आदमी इंतजार नहीं होता आदमी कितना हैरान रहे। इसी के लिए अपन ने कही कि चलो हम सीधा लाइव आके बात कर ले रहे हैं। अब घर में पट्टा भी डल गए, देखो बुंदेली चूली कार्ड आर्ड सब बन के आ गए। सो आज नए साल पे हमने पहन लो अपने स्टाफ के पहना दो भैया पहचान रहा है, अब तक टी शर्ट हती आई डी हती सब हतो, लेके अब पट्टा भी डलगाव करे में क्या बुंदेली चुगली में रहेंगे जीवन भर बन के। जिन्हें इन डल पाओ विभागी है जिन्हें डलगाव भाग्यशाली हैं और जिन्हें डल रहे हैं वे भी भाग्यशाली रहे। फिलहाल हम जो बता रहे हैं कि आज सवेरे जो भाव माओ तो सवेरे हमें एक बहुत दुखद खबर मिली, जब मिली कि छतरपुर के जो कलेक्टर है मसूद अख्तर वे ये दुनिया के छोड़ के चले गए, दिवंगत हो गए। और उन्हें कुछ दिन पहले कोरोना भाव तो कोरोना से तो भी वो लड़के उभर ही आए थे लेकिन हार्ट अटैक उनको होवे से निधन हो गए। ये खबर ने झकझोर कहा से छतरपुर से इनकी बहुत स्मृतियाँ जुड़ी थी, बहुत लोगों के संबंध थे मीडिया के पत्रकारों के, हालांकि हम उनसे नहीं परिचित रहते कहा से जब भी छतरपुर कलेक्टर आते तब हम बाहर दूसरे अखबारों में नौकरी कर रहे थे। लेकिन लोगों ने बताया कि बड़े अच्छे स्वभाव के थे और बहुत निष्ठावान अधिकारी के रूप में उन्हें पहचान मिली थी। फिलहाल बातचीत कर रहे छतरपुर के विकास के लेके कहा से आजकल एक जो माहौल है प्रशासन नोटिस पे नोटिस आदियन के दे रहा हो, कभी भू माफिया कभी माफिया किए तय कर दे जो पता नहीं चल रहा, एक वसूली को अभियान चल रहा है ऐसे एक आरोप लग रहा है। कछु जन ने लीगल जगह पे अगर बना ले अपने भवन तो उन्हें नोटिस दे के जो बताओ जा रहा हो कि तुम में जो गलत करो वो गलत करो, जबकि शासन की अनुमतियां हैं तमाम चीजें हैं। तो जब विकास और विनाश की लीला कितनी चले नए साल में देखने पड़े। लेकिन फिलहाल अब जो हम बात कर रहे हैं बात कर रहे छतरपुर में आवे वाले इस साल में अब का हुई है कैसे विकास की एक बुनियाद है और वह बुनियादी अगर ढांचा हिल जाए तो फिर कहूँ ना कहूँ विकास भी प्रभावित होते, लेकिन बुनियादी ढांचा अगर मजबूत होते तो विकास भी मजबूत होते जब बात मानी गई है। तो यही सब बुनियादी ढांचा मजबूती के लाने जो चाहने कि अच्छे प्रशासन चाहने पूर्वाग्रह वाले भ्रष्ट प्रशासन नहीं चाहने अकर्मण्य प्रशासन नहीं चाहने कि ऑफिस में ना बैठ रहे केवल पूर्वाग्रह वाली कार्रवाई करें और अपने नंबर बढ़ावे की कार्रवाई करें, जमीनी स्तर पर अगर विकास को काम ना करें तो ई मामले में लेके चैलेंज और चुनौती खड़ी होती हैं। तो ई के लाने जवाबदेही तय करने इतने के शासन के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और भी सत्ताधारी पार्टी के अधिकारी नेता पदाधिकारी जो भी है इन सब की जवाबदेही है कि शासन अगर अच्छो काम करवो चाह रहे हो की मंशा है तो वो प्रशासन के जमीनी रूप में क्रियान्वित कराने पड़े, ई की जवाबदेही इतने के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है। बहुत सारे आरोप लग रहे जिला प्रशासन से लेकर तहसीलदार से लेकर एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक पे कि जोन कई बार नोटिस जो कार्रवाई हो रही बेदखली की जमीनी स्तर पर ठोस काम नहीं हो रहा, तो वो अलग मामला है उसके लेके अभी हमें बड़ा अध्ययन भी करो है, बड़ी फाइलें भी हमें मंगा ली हैं जो जो जवाब तलब भय सब लंबी लंबी फाइलें भी हमें मंगा ली और इनके लेके हम बड़ी खबर करने वाले हैं कि हम ताकि जो मनसा लोगन की है बात साफ हो और एक शहर में जो नव माहौल बिगाड़ो जा रहा हो या बनाओ जा रहा हो उके लेके ही बात करें। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि पिछले साल आदमियों के लाने मुसीबत भरो रहो, कोरोना ने आदमियों के ली लो, विकास की रफ्तार थम गई थमका गई कि रुक गई सब यार पूरे आदमी को काम नहीं कर पाओ। लेकिन अब नए साल में नई उम्मीदें आदमी की जग गई तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती कि लग रहा हो तो कई साल तक पूरी हो जाए लेकिन ठहर गई थी वे कोरोना ने आदमी के
बड़ा परेशान कर रहा हो तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इतने विकास को बुनियादी ढांचा शुरू होने वही साल से उम्मीदें ही बहुत सारी हो रही। हम में कचु कलेक्शन करो अलग अलग स्तर से अलग अलग चीज़ें से हमारे पास आई हैं चीज़ें। तो वो एक तो सबसे पहले जो है जो बहुत बड़ी परियोजना है हीरा खनन परियोजना बक्सवा में, जहाँ पर रियो टिंटो कंपनी बंदर प्रोजेक्ट के नाम पर ये चला रही थी। और जो बंदर प्रोजेक्ट चलेगा तो इतने से लेकर अब 60,000 करोड़ की हीरा खनन परियोजना शुरू होने की उम्मीद इस साल जग रही है। और हम बता दें कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं बंदर प्रोजेक्ट में। जो जो इतने को जो अब इतने की पूरी नीलामी प्रक्रिया भई थी और जो इतने की जो निविदा हासिल करी थी वह करी थी इतने के बिरला ग्रुप ने 60,000 करोड़ को एशिया को सर्वश्रेष्ठ जेम क्वालिटी को हीरा प्राप्त करने वाली जो देवे वाली जो खनन परियोजना है इको टेंडर हासिल कर लो तो। और जहाँ रॉयल्टी भी इन्हें मतलब इन्हें मध्य प्रदेश को खजाना भर दिया गया कि रॉयल्टी मिले तो जो खनिज को कोस है जो भर जो है मध्य प्रदेश सरकार के भी लाभ हुई है। और छतरपुर में भी बुनियादी विकास की इबारत है बल लिखी जो है एक स्टेज जो होती कि NOC जो होते हैं पर्यावरण की जो स्वीकृति होते वन विभाग से होते हैं तो एक और सर्वे वन विभाग ने पूरा कर लो पहली स्टेज जो होते हैं उनकी स्वीकृति के लाने फाइल जिला प्रशासन ने आगे बढ़ा दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास जब पहुंच गई बिरला ग्रुप ने रियो टिंटो को जो कैंप भी है तोते को वो भी अब हस्तांतरित कर लो अपने पास ले लो। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहो और NOC मिल गई फॉरेस्ट की वन पर्यावरण मंत्रालय की तो जो मान के चलो कि जो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो सका। इसके अलावा स्टोन पार्क के लेकर और डायमंड नीलामी केंद्र जो दो काम भी हैं जो प्रस्तावित हैं लंबे थे इनकी मंजूरी के लाने भी अब प्रयास शुरू हो जाए शायद इस साल ऐसी उम्मीद जताई जा रही। नीलामी केंद्र की स्थापना छतरपुर जिला में स्टोन पार्क की स्थापना छतरपुर जिला में होने हैं और कई बार के प्रस्तावित शासन के पास गए लेकिन नहीं हो पाई थी चीज़ें। आने वाले समय में लग रहा हूँ कि जो हो सकत के खनिज विभाग अगर इनमें अच्छा प्रयास कर रहा हो तो हमें लगत कि ये स्वीकृति मिल जाए। खजुराहो में जो नीलामी केंद्र हीरा को बनने हैं डायमंड पार्क स्टाइल को बनने के जहाँ पे नीलामी हुई है खजुराहो में चूँकि एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हवाई संपर्क यात्रा होता है तो इसे इतने का जो केंद्र स्थापित हो रहा तो ये किलाने बहुत अच्छे रहे। खजुराहो सांसद BD शर्मा ही किलाने लगातार प्रयास कर रहे हैं। ग्रेनाइट पार्क के लाने भी उनने स्टोन पार्क लाने भी अलग अलग चीज़ लाने पत्राचार भी प्रशासन के संगे करो है तो यह एक अच्छी चीज़ है और सुखद अनुभूति भी देने वाली है कि विकास की जो इमारत है छतरपुर जिला में लिखने की तैयारी है। इके लाने जो शासन है प्रशासन एक ही इच्छा शक्ति चाहने हैं मजबूत ईमानदार शक्ति और तर्क शक्ति चाहने हैं। इके अलावा जनवरी में रॉक फास्फेट खदान की भी नीलामी की प्रक्रिया होने हैं और जहाँ है जहाँ बक्सवा के पास है ग्राम मरदेवरा के आसपास 80 हेक्टेयर जमीन पे रॉक फास्फेट बड़ी मात्रा में तो मिलो है और अगर जहाँ नीलामी भाई जाए तो खनिज विभाग इसे भी अच्छा अपना पैसा इसे अर्जित कर सकत शासन के प्रस्ताव किलाने भेजोगा है। जनवरी में हो सकत के नीलामी के माध्यम से रॉक फास्फेट को उत्खनन शुरू हो जाए उनके द्वार खुल जाए। हम बता दें कि रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक आधारित उद्योगन में होते हैं और DAP और यूरिया के निर्माण में उपयोगी भी होते हैं जो पत्थर उत्खनन के संगे संगे रोजगार के भी नए साधन इसे मिले और जो बेरोजगारी से बुंदेलखंड जूझ रहा ये समस्या दूर हुई है। एक और अच्छी बात है विकास के लेकर जो बुनियादी आज छतरपुर के जो बिजावर विधानसभा क्षेत्र है इतने के विधायक है राजेश शुक्ला बबलू आज उनको जन्मदिन एक अच्छी बात है और उन्हें जन्मदिन की हम बधाई भी दे रहे हैं बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से कि बड़ी अच्छे क्षेत्र के विकास के लाने करें। और उन्हीं के क्षेत्र से जुड़ी खबर है कि जो जिला को इतने को शिवधाम मानो जाते हैं इतने को जो अपन को केदारनाथ मानो जाते हैं बुंदेलखंड को वो मानो जाते हैं जटाशंकर तो जटाशंकर लोगों की आस्था को केंद्र है हर अमावस्या पे हजारों लाखन आदि तो जुटत है तो ऐसे जटाशंकर पे रोप वे बनने हैं श्रद्धालु जो छिणियन नहीं चढ़ पा बूढ़े रात जैसे मैयर में नहीं है रोप वे के सीधे ट्राली में बैठो चले जाओ तो वैसो रोप वे भी इतने पे बनवे के लाने प्रस्तावित है। और इसके लाने 3 नवंबर 2019 के कमलनाथ थे ना जो 15 महीने के लाने मुख्यमंत्री बने थे वे आए थे ऐलान कर गए थे घोषणा कर गए थे विधायक बबलू शुक्ला की मांग पे तो 12 करोड़ रुपये की लागत से जब 500 मीटर को पहले चरण को काम रोप वे को होने हैं इको सर्वे को काम पूरा हो चुके हैं वन विभाग की जमीन भी हैंडओवर हस्तांतरित करी जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अगर जब प्रक्रिया पूरी होते तो सरकार रोप वे कंपनी के लाने जो टेंडर निकाल सका थे और पहले चरण में बस स्टैंड के मंदिर परिसर तक
रोप वे को निर्माण भी शुरू हो सका था, ऐसी उम्मीद जताई जा रही। और हम बबलू शुक्ला से भैया जी यही कहे हैं कि अगर तुम्हारा जन्मदिन आज है और आज के दिन तुम जो संकल्प ले लो कि रोप वे को काम हो जाए ईमानदारी से, भगवान जटाशंकर जी के आशीर्वाद से तुम केंद्र तक पहुँचे सत्ता के होते। अगर तुम पहुँचे हो तो उनकी जवाबदेही तुम्हारी है कि तुम्हें बाची चुकाने हैं भगवान को, देखो कहा है हिसाब कर पूरे रखने उसे थोड़ी आ गया अपनों अपन ने निपटा लो तो भगवान के भूल जाओ जो ना करियो। अगली योजना के लेके अपन बात करें तो सोलर प्लांट अपने कहते बता दें कि जो उन्हें प्लांट की बात हो रही थी मेगा थर्मल पावर प्लांट बनने तो बीच में लटक गए, एनओसी नहीं मिल पाई पर्यावरण मंत्रालय की, तो अब जो सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट तैयार करे गए हैं मानो जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने विधानसभा क्षेत्र के किशनगढ़ और जैतपुर के इलाके में जो 6 गांव मौजूद हैं इनके आसपास 1945 हेक्टेयर जमीन एक पड़ी है और 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करे वाले सोलर प्लांट की स्थापना इस जमीन पर इतफेक करी जा रही। ये हेक्टेयर जमीन पे 2020 में तत्कालीन SDM DP द्विवेदी ने इस जमीन को चिन्हांकनी पूरा करके और भेदभाव शासन के 2021 में उम्मीद है कि सरकार सोलर प्लांट की स्थापना के लाने बाउंड्री वॉल और जो छोटी मोटी जो प्रक्रिया है सोलर पैनल की छोटी मोटी यूनिट स्थापित कर सकत। सरकार ने अगर ये में गंभीरता दिखाई तो हो सकत बिजली के मामला में हमारा जिला आत्मनिर्भर हो जाए और बिजावर क्षेत्र में खासकर जो एक बड़ी उपलब्धि हो जाए कहा से बिजली संकट भी होते कि ये गंभीर समस्या है। बाकी बरेडी वाले प्लांट भी ऐसे डल हुए उनको भी चल रहा हो कि सोलर प्लांट होता डल जाए तो उसको कछू ना कछू फायदा हो जाए होता है तो काम भाव है। छतरपुर को एक और अगली योजना की हम बात करें, छतरपुर को फर्नीचर भैया जो हम बता दें कि पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है, कहते हैं कि जो कारीगर इनकी डिजाइनिंग को बनावे को तरीका खासकर सागौन के जंगल इतने पाया सागौन लकड़ी को फर्नीचर प्रसिद्ध मानोगा वो मजबूत भी होते घुनत नहीं है सबसे अच्छी बात है, तो ऊकी लाने भी थे फर्नीचर के लाने पार्क की स्थापना के लाने उद्योग विभाग ने बहुत प्रयास करो तो और ये थे कि फर्नीचर की राष्ट्रीय पहचान भी मिली है तो ई के लाने भी अगर प्रयास हो रहा तो जो मानो कि इस साल के लाने एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी रोजगार पैदा करने वालों एक बड़ी इकाई तब स्थापित हो जाए आवे वाले साल में यही उम्मीद है कि आदमी जता भी रहे। औद्योगिक क्षेत्र निर्मित हो चुका है और आकार कलेक्टर सीलन सिंह ने जब पहल कर दी तो ग्राम जो पठापुर के समीप 75 एकड़ जमीन विकसित होकर अगर वे क्लस्टर उद्योग फर्नीचर को स्थापित कर दो जाए तो जो मानो कि आवे वाले समय बहुत अच्छा हो जाए। व्यवसाय की गहरी रुचि भी क्षेत्र में है, वे चाहते कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा माल हमारा फर्नीचर बाहर जाए, फर्नीचर को अगर क्लस्टर उद्योग तो लगो जा रहा तो जो मानियो कि रोजगार की भरपूर संभावना पैदा हुई है और अगर जो इन पर अगर प्रशासन ने थोड़ा सा भी प्रयास पीछे ले गए जी तो जब चीज फसल जगत का से बता चंद्रनगर के पास बैलगाड़ी उद्योग के लाने जो स्थापित इकाई होते होने थी फिर होते फर्नीचर के लाने भी बात भाई कि फर्नीचर के लाने भी क्लस्टर उद्योगिक क्षेत्र बनाओ जाने, लेकिन होता है कि पूरी जमीन कब्जा में प्लाट रहने फेंक गई खबर जा रही कब्जा हो जा रहे होते वो कब्जा प्रशासन के नहीं दिखा रहा है ना गली कुलियन में घुस घुस के एक एक दीवार जाके गिराया उधर जैसे भी चल रही। फिलहाल प्रशासन की मनसा पर सवाल नहीं उठा रहे, अगर निरादे एक हैं तो जो मानो कि इन्हें सफलता मिले, अगर इरादन में नियत नीति सही नहीं है इनकी तो आवे वाले समय में दिक्कत ही प्रशासन को ही है और जो लिस्टें निकलने हूँ मैं हो सकत के नए नए नाम आ जाए और नए अफसर छतरपुर जिला में आ सकत और इतने के जा भी सकत अगर नियत गलत है तो। एक और है फोर लेन की जो सबसे बड़ी बात है झांसी खजुराहो फोर लेन जाए के किनारे अपना बुंदेली चुगली का ऑफिस भी है, झांसी खजुराहो फोर लेन की जो योजना है जब बड़ी लंबे समय से चल रही और इनमें कई जगह रोड़ा भी है फोर लेन की मुआवजा के लिए स्थिति जैसे प्रियांशी भवर अब 1-2-4 मामला लटका है कौन SDM लटका है लालच के चक्कर में जो लटका रहे तो मुआवजा के मामला अटके हैं इसे कई जगह बाधा भी आ रही तो झांसी खजुराहो फोर लेन जो है कि लाइफ लाइन कही जा रही विकास की छतरपुर जिला की और इसमें झांसी खजुराहो फोर लेन को जो निर्माण हो जिला की सीमा के भीतर 2021 में जो पूरा हो जाए इसके अलावा लगभग 1310 करोड़ रुपये की जो लागत की योजना है छतरपुर जिला की सीमा में छादी पहाड़ी से लेकर बमीडर तक फोर लेन को निर्माण होने हैं और 31 जनवरी तक पूरे करने को लक्ष्य रखोगा 2021 में अगर 31 जनवरी तक पूरा होने को लक्ष्य रखोगा लेकिन जब हो पा रहा हो कि नहीं जो देखना पड़े थोड़ा शहर की सीमा से सटे महुआ रोड तिराहे से नौगांव के समीपवर्ती बिलेरी गांव है जो होता है 27 किलोमीटर तक फोर लेन को निर्माण पूरा हो चुका भैया
85 किलोमीटर की कुल 4 लेन मार्ग में 67 किलोमीटर को जो निर्माण पूरा होगा। फिलहाल बचे लगभग 18 किलोमीटर के निर्माण की भी रफ्तार तेज चल रही। कलेक्टर ने NHAI और PWPNC के कहे 31 जनवरी तक के जो लक्ष्य पूरे करने का निर्देश दिया होगा। छतरपुर सटे जो महुआ रोड है, बाईपास रोड है, इसे भी पूर्ण काम हो चुका है। महुआ रोड से सरानी गठेरा होदभाव जो बाईपास को पन्ना रोड और ग्राम चंद्रपुरा के आगे जो खुल रहे हैं, जहाँ से कानपुर से लेकर झांसी तक के वाहन पन्ना रोड से सीधे शहर के बाहर डिवाइड हो जाए, जब भी पूरी एक योजना चल रही तो जो उम्मीद कर सकते हालांकि जो योजना पूरी 2022 तक के लाने का समय है तो 2021 के लास्ट तक भी अगर जब पूरी हो जा रही है 2022 तक जनवरी तक वही जा रही पूरी तो यह एक बड़ी उपलब्धि हो जाए। इसे कहा है झांसी को सफ़र भी भैया 1.5-2 घंटा में आदमी पहुँचने लगे, अब 3.5-4 घंटे लगा था आदमी के तो रफ्तार कम जो इसे द्वार भी खुले विकास के पर्यटन से लेकर सब कचे सीधे जो रोड की कनेक्टिविटी शानदार हो जाए तो विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आए, देशी पर्यटक भी खजुराहो पहुँचे। तो ये तमाम विकास की बुनियादी चीज़ों के लेकर बात कर रहे हैं। छतरपुर के विकास की भी हम बात कर रहे हैं कि छतरपुर में कच्चू मल्टी स्टोरी बन रही, विकास के लेकर तभी बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा। हालांकि अब प्रशासन की मंशा ई पे दूसरी प्रकार की हो गई। प्रशासन ने जो जमीनें लीज पे नहीं या जो जमीनों पे निर्माण की अनुमति दी, अब ये खुद ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। को तत्कालीन कलेक्टर के दोषी ठहरा तो को SDM के तो को नगर पालिका के, और अब तमाम नियम कायदे के हवाला दे के और जो अच्छे प्रकार के व्यवसायी हैं जो शहर में इन्वेस्टमेंट करके कछु अच्छे विकास लेके आवो चाह रहे थे उनके परेशान करने को काम भी हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है जिला प्रशासन पे। NOC जहाँ से विभाग से जो जो विभाग से मिलती है NOC से लेके पूरे डॉक्यूमेंट्स कागजात सबके तैयार है। उसके बाद अब जो बताया जा रहा है कि माफिया है और माफिया के नाम पर उन्हें जो करो जा रहा है कि तो माफिया हो भैया तुमने अगर जो नहीं करो तो ऐसा हो जाए। और निचले स्तर हैं अगर उन लोगों के जो प्रेरित कर रहे हैं कि तुम तो सेटिंग कर लो साफ से तो तुम्हारा सब कुछ निपट जाए, ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन हम जो बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी भोपाल हम जब गए तो उनसे मुलाकात भई थी एक छोटे मुद्दा पे मामले के लेकर, जब उनसे भी हमारी बातचीत भई थी तो उनकी जो मंशा थी कि माफिया में जो अपराधी हैं, माफिया में जो नशा को कारोबार कर, माफिया में जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करके अपने मकान बना चुके, माफिया में जो रंगदारी में और समाज सेवा के नाम पर ढिंडोरा पीट के गलत काम कर रहे हैं, नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसे आदमी के नेस्त नाबूद कर दो जाए। लेकिन छतरपुर में अब माफियान पर नज़र प्रशासन ने नहीं डाली और माफिया तलाशने की जगह उनने कछु ऐसे लोगों के परेशान करने को प्रयास कर दो कि जो अब भी परेशान फिर रहे हैं। और वे जो कह रहे हैं कि भैया हम अगर शहर को विकास कर रहे हैं बुनियादी रूप से तो हम कहाँ गलत हैं, प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं, एक एक चीज़ की NOC है, उसके बाद नोटिस और तामीली और संबंध ये तमाम चीज़ें हो गए, भयभीत करो जा रहा ई को कौन समझ में उपाय आदि के नहीं आ रहा। फिलहाल जाओ लंबी कहानी कथा है और जो हम दस्तावेजन के संग चीज़ें ले आए कि कहाँ प्रशासन सही है कहाँ प्रशासन गलत है, कौन दस्तावेज में संबंधित व्यक्ति गलत है कहाँ आदमी सही है, ये सब चीज़ें आओ चाहिए कैसे एक भ्रम की स्थिति समाज में पैदा ना हो चाहिए। केवल अराजकता को माहौल बना के, भय आतंक को माहौल बना के, केवल विकास को ढिंडोरा पीट के और केवल एक बात जो सोच के दिमाग में लगा के कि अब तो मुख्यमंत्री ने कह दी तो ऐसे करने, तो केवल ई के लाने ना हो, नशा के बहुत बड़े बड़े ठिकाने, बड़े बड़े माफियान के बड़े बड़े रंग महल खड़े हो गए। अगर प्रशासन नहीं देख रहे तो हमसे पूछ सका, हम दिखा भी सका, उन्हें बता सका, जिनके पास आए के कोई स्रोत नहीं, कोई धंधो नहीं, नौकरी नहीं, अवैध कमाई करके उन्हें बड़े बड़े अट्टालिकाएँ खड़ी कर ली, ऐसे आदमियों पे प्रशासन ने अभी तक नज़र इनायत नहीं करी जबकि उन्हें करो चाहिए तो। लेकिन उनकी नज़र इनायत हो रही बुंदेलखंड ट्रांसपोर्ट वाले रियो एक वे हैं कौन वो फोटो कापी रिकांडो फोटो कापी या बोले रूसिया बिल्डिंग ही टाइप के लोगों के, अगर इन लोगों को इतिहास देख लो तो इनके खिलाफ शायद थाने में कोई अपराध दर्ज ना हुई है, इनके खिलाफ ये माफिया भी ना हुई है, ये अवैध कोनो काम भी ना कर रहे हुई है। हो सका तो इनके भवन निर्माण स्वीकृति में कछु ना कछु थोड़ा बहुत कहूँ एक आध दो नियम नियम को कछु अंतर आ रहा हो चीज़ें, लेकिन उसके बाद प्रशासन के इतने पे चीज़ें कर रहा हूँ। 24 अस्पताल से लेकर बस स्टैंड तक, टोरिया हाउस की बात करें, निगम साहब के मकान जहाँ और तब जो 24 नर्सिंग होम जहाँ चिन्ह लग गए अतिक्रमण गिरावे के, कई साल तक लगत गए लेकिन आज तक भी चिन्ह हर बार हरे हो जाते लेकिन अतिक्रमण नहीं हट जाता, रसूखदारों को कब्जा नहीं हट पाता। तालाबन पे अतिक्रमण पे अट्टालिकाएँ खड़ी हुई, बेगिरावे की बात प्रशासन नहीं कर पाता। तो हमें लग रहा है कि मनसा में कहूँ हम जो नहीं कह रहे प्रशासन कार्रवाई रोके, बिल्कुल ना रोके, जो करने करें, लेकिन अगर
ईमानदारी से हो, जवाबदेही के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, तो समाज में हो सकत एक माहौल बने और विश्वास को माहौल पैदा हुई है। और नहीं था तो भैया जो है कि मुख्यालय से कब की को ऑर्डर आ जाए ई में कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल भैया बातचीत लंबी है थी तो हमने नहीं कर ली। बुंदेली चुगली के एक साल होगा और एक साल में जो हमें स्नेह प्यार मिले हैं हजार लाखन दर्शकों को, अपने घर घर से बच्चन को, महिलाओं को, गांव गांव से रोज फोन आते हैं, आदमी देखा थे उन्हें जो अनोखो अंदाज बुंदेली चुगली को पसंद आया है। तो हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में बुंदेली चुगली अपनी यात्रा के फिर बढ़ा रही, नए साल में हम कुछ नए प्रयोग भी करके ले आवो शुरू कर रहे हैं। भोपाल में भी स्टूडियो को काम बहुत जल्दी अपन शुरू करके भोपाल से पूरा MP से अपन लॉन्चिंग करने वाले हैं चैनल के। तो आने वाले समय में जो भी एक आदमी के पल बदलाव मिले के बुंदेलखंड से निकल के हम प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अपनी यात्रा लेके पहुंच रहे हैं और भोपाल से आगे फिर ईश्वर जहां ले जाए उतने भी जो है। फिलहाल अपनों यही किए हुए कि जो आदमी जहाँ चाहा तो बुंदेली चुगली से जुड़वो, अलग अलग पूरे बुंदेलखंड के अलग अलग जिला में हम एजेंसियाँ भी अपनी दे रहे हैं और लोग जुड़वो चाह तो बुंदेली चुगली से जुड़ो, स्वागत है आपको। अगर आपके अंदर ईमानदारी जज्बा है समाज में बदलने की, अगर आप ताकत ले आओ चाहो तो आप चाहो तो बदलाव समाज में आए और अपनी बात पूरी निर्भीकता के संग पूरी ईमानदारी के संग हम अपनी कर पाए तो उनके लाने बुंदेली चुगली एक मजबूत प्लेटफॉर्म है हम सब के लाने। तो भैया फिलहाल हम ले रहे हैं विदा बुंदेली चुगली की वर्षगांठ में, साफ सब जन के शुभकामना, धन्यवाद भैया।